everyone, welcome to Achievers Academy and this is Rashmi Sharma with you with a video of sexual reproduction in flowering plants. In the previous video you have seen the asexual reproduction and in this you will see how the reproduction takes place in plants. Now, देखो हमें क्या पढ़ना है अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. जब हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस बताती जाऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं इसमें. यू विल जस्ट नोट इट डाउन राइट एंड अंडरस्टैंड विद मी कि किस तरह से इसके सारे पार्ट्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं ये सारी चीजें आपको समझनी होगी. एक सबसे बड़ी चीज जो समझने की है ये मैं पहले भी कहती हूँ जब भी आप डायग्राम की प्रैक्टिस करते हैं उसको समझ के करना है. एक पिक्चर की तरह नहीं बनाना है उसको एक डायग्राम की तरह बनाना है कि क्या क्या उसके पार्ट्स हैं और बनाते ही समय यदि आप उसके फंक्शंस भी उसको रिकॉल करते जाए माइंड में कि क्या क्या फंक्शन है इट इज वेरी गुड. ठीक है दूसरा है जो इसके कैप्शन होता है. कई बार बच्चों से पूछा जाता है पेपर में कि ड्रॉ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर एंड चिल्ड्रन मेक दिस जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा. या सिर्फ ये पूछा गया जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा दे मेक जनरली लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर ये गलत है. आपसे जो पूछा जाएगा आपको वो बनाना है आपको आता है. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को आता है बट वो गलत बनाते हैं क्योंकि उन्हें कैप्शन नहीं ध्यान रहते हैं वो कैप्शन पे ध्यान देते ही नहीं है पढ़ते समय राइट वन थिंग. अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर कि किस तरह का फ्लावर का पार्ट होता है. तो जब यदि हम फ्लावर पार्ट की बात करते हैं तो जनरली तुमने देखा होगा कि फ्लावर में एक जो आउटसाइड में होते हैं ग्रीन कलर के ये पार्ट होता है जिसको हम सेपल बोलते हैं. छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये हमेशा 4 to 5 होते हैं या तो किसी फ्लावर में 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं. ये सबसे लास्ट वाल होता है आउटर वाल होता है किसी फ्लावर का और इसमें 4 से लेकर या तो 4 सेपल्स होंगे या 5 होंगे. इसका कलर भी स्पेसिफिक होता है ग्रीन कलर. क्लियर. दूसरा क्या होता है सेपल के बाद आते हैं ये पेटल्स. पेटल्स कैन बी इन एनी नंबर. पहली चीज पेटल्स किसी भी नंबर में हो सकते हैं. देयर इज नो लिमिटेशन दे आर मींस इन एनी नंबर दे मे बी काउंटेबल और नॉन काउंटेबल ऑल्सो राइट. अब क्या होता है दूसरी चीज इनके कलर की यदि हम बात करते हैं दे कैन बी रेड ब्लू येलो ग्रीन व्हाइट एनी कलर. आपने देखा ये गार्डन में कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के एंड दिस फ्लावर अट्रैक्ट अस. तो ये पेटल्स कलर कलर्ड क्यों होते हैं बिकॉज दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. क्लियर. तो ये हो गया आपका पेटल का क्या पेटल है ये सेकेंड बॉल हो गया इसका फ्लावर का. फिर क्या होता है थर्ड बॉल आपका जाता है जो कि आपका हो जाता है स्टेमन. स्टेमन क्या है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. क्या होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और इस पार्ट के भी दो पार्ट होते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये पूरा स्टेमन बनाया मैंने ये इसका देखो फ्लामेंट है ये एंथर है ये फ्लामेंट हो गया ये एंथर हो गया. जो एंथर होता है इसके अंदर छोटे 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 पॉलन्स होते हैं राइट. और ये पॉलन्स जनरली क्या होते हैं येलो कलर के होते हैं. आपने हिबिस्कस रोज़ा फ्लावर देखा होगा ठीक है उसमें क्या होता है ये येलो कलर के होते हैं. यदि आपके हाथ में टच कर जाते हैं ये और क्रश हो जाते हैं तो आप देखोगे बड़ा प्यारा सा येलो कलर आपके हाथ पर आ जाता है इसका राइट. ये क्या होते हैं ये पॉलन्स होते हैं जो कि मेल गैमिट्स होते हैं राइट. ये मेल गैमिट्स इस एंथर के अंदर रहते हैं. दिस इज एंथर. एंथर के अंदर मेल गैमिट्स का प्रोडक्शन होता है. अब आ जाते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमन भी कहते हैं और इसको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं. उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं उसको हम पिस्टिल बोलते हैं. यदि हम इन तीनों को मिला दें तो ये क्या कहलाता है आपका पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट राइट. और इसको हम गाइनेशियम भी कहते हैं कार्पेल भी कहते हैं राइट. अब देखो ये जो है आपका ये यहां पर आपका स्टिग्मा हो गया ये पूरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टाइल हो गया इसका और ये जो है इसका ये ओवरी हो गया राइट.
स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है? स्टिग्मा पर पॉलन आते हैं, ट्रांसफर होते हैं, क्लियर? ये स्टिकी होता है नेचर में, स्टिग्मा क्या होता है आपका? स्टिकी नेचर होता है। क्यों होता है स्टिकी? सो दैट दीज पॉलन्स कैन स्टिक हियर, राइट? नहीं तो हवा में उड़ जाएंगे, तो पॉलन यहां पर आकर के स्टिक हो जाते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स में बैठते हैं, यहां पर इंसेक्ट्स ही लेकर आते हैं पॉलन को एंड देन दे लीव इट, या फिर एयर के थ्रू आते हैं पॉलन, या फिर वाटर के थ्रू, किसी भी जो है वो मीडियम के थ्रू आते हैं, बट दे कम ऑन द एंड स्टिक विद द स्टिग्मा। फिर क्या होता है, ये स्टाइल होता है, स्टाइल ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट, दिस इज द स्टाइल। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर से पॉलन पॉलन ट्यूब बनाते हैं, जो आपका मेल गैमेट है वो पॉलन ट्यूब बनाता है। फिर वो ये ओवरी होगी, ओवरी के अंदर आपका फीमेल गैमेट होते हैं, राइट? तो यहां पर मेल गैमेट अंदर एंटर करता है और तब यहां पर फ्यूजन होता है। ये हो गया आपका कंप्लीट फ्लावर का एक स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स के फंक्शंस। अब देखो, मैंने कहा यहां पर कि एंथर्स से जो है पॉलन आते हैं स्टिग्मा पर, ट्रांसफर होते हैं। अब ये ट्रांसफर है पॉलन का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनेशन बोलते हैं, राइट? पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है? इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। एंड ये बहुत ही आसान है, किसको आप सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, किसको क्रॉस। सेल्फ मींस, सेल्फ मींस एक ही प्लांट में, राइट? मींस यदि फ्रॉम एंथर पॉलन आर ट्रांसफर्ड टू द सेम फ्लावर और ऑन द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसी प्लांट के उसी फ्लावर पर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जब ये पॉलन ट्रांसफर होते हैं उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जब ये पॉलन्स एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ऑफ द सेम स्पीशीज ट्रांसफर होते हैं, रिमेंबर व्हेन द पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लावर ऑफ अ प्लांट टू द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। डेफिनेशंस को सुनते समय नोट कर लेना, ये आपको कई बार डिफरेंस करने को पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलन जब स्टिग्मा पर आते हैं तो दे कम थ्रू द सम मीडियम, ठीक है? उसको वहां तक ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, वो क्या हो सकता है, ठीक है ना? दीज सोर्सेस कैन बी लाइक एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है और इंसेक्ट्स, राइट? दीज हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, राइट? अब एक चीज और है, कुछ फ्लावर्स होते हैं आपके बाइसेक्सुअल, कुछ फ्लावर होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे वो कौन से होंगे? जैसा कि मैंने ये डायग्राम बना रखा है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर का, इसमें क्या है, देखो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी इसमें है, तो ये क्या हुआ आपका बाइसेक्सुअल, राइट? हिबिस्कस रोज़ा इज एग्जांपल फॉर दिस, यू कैन राइट। अब हम यूनिसेक्सुअल की जब बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो पपाया प्लांट, पपाया फ्लावर, उसमें क्या होता है, इधर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी देयर इन वन फ्लावर और द फीमेल, मींस इट इज यूनिसेक्सुअल। ये तो हो गई आपकी कंप्लीट फ्लावर की बात। अब हम आते हैं कि किस तरह से जो मेल गैमेट है दैट इज पॉलन वो एंटर करता है ओवरी में और फिर फ्यूजन होता है वहां पर, राइट? अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये पॉलन आकर के स्टिक हो गया, ठीक है? ये पॉलन ग्रेन है। अब यहां से जो मेल गैमेट है, मेल जर्म्स है, एक पॉलन ट्यूब बनती है यहां पर, ठीक है? ये इससे पॉलन ट्यूब बनती है, जर्मिनेट करता है पॉलन और एक मेल सॉरी ये पॉलन ट्यूब बनती है और इसके थ्रू मेल गैमेट अंदर आते हैं ओवरी में, ठीक है? दो मेल गैमेट अंदर आते हैं ओवरी में,
ठीक है, दे एंटर इनसाइड द ओवरी फ्रॉम डाउन, यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहां से डाउन से ये ट्यूबर है, यहां से ये अंडर एंटर कर रहा है। फिर क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है, वो फ्यूज किससे करता है, फीमेल गैमेट से। और क्या बनता है, फिर जाइगोट बन जाता है। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कंप्लीट, किसका स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का, जो कि आपका पिस्टिल होता है। देखो ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया। अब यहां पर ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन ने क्या किया, जर्मिनेट किया, पॉलन ट्यूब बनाई, पॉलन ट्यूब बना करके क्या हुआ, ये अंदर पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या रहा, मेल गैमेट आ रहा है, ओवरी में एंटर कर दिया। ओवरी में एंटर करने के बाद क्या हुआ, इस मेल गैमेट ने फीमेल गैमेट के साथ में कंबाइन किया, फ्यूजन किया, और प्रोसेस क्या कहलाती है, ये फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। ठीक है, अब क्या होता है, दो मेल गैमेट आते हैं, दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उसके साथ में फ्यूज करता है, एक मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करता है, और इस फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि तीन चीजें एक साथ, थ्री थिंग्स टुगेदर आर कंबाइनिंग या फ्यूजिंग टुगेदर, सो वी से इट ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। अब कभी कभी आपने कहीं पर पढ़ा होगा क्वेश्चंस में कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि दो फ्यूजन यहां पर टेक प्लेस करते हैं, दो मेल गैमेट फ्यूज करते हैं, एक मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ, दूसरा फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। तो ये चूंकि दो फ्यूजन होते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। सो व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज ट्वाइस द फ्यूजन टेक्स प्लेस हियर, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, and because the fusion occurs twice here, it is called double fertilization. तो ये अच्छे से लर्न करना है आपको। अब इसके आगे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, zygote बन गया, zygote इसमें चेंज होगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, एम्ब्रियो में चेंज होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये भी आता है, what changes to seed and what changes to fruit? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, सीड जर्मिनेट करता है, अब इसमें जो सीड बनता है वो किससे बनता है आपका, वो बनता है आपका एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो जो है वो चेंजेस टू, और ओव्यूल यू कैन से ओव्यूल चेंजेस टू सीड, राइट, एंड ओवरी चेंजेस टू फ्रूट। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि व्हाट, ये भी एक क्वेश्चन आता है, What happens to the other part of the flower? ठीक है, फ्रूट तो बन गया, अब सेपल, पेटल, ये पिस्टिल एंड स्टेमेन, इन सब का क्या हुआ, दिस ऑल शिवल ऑफ। ठीक है, ओवरी तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई फ्रूट में, बट जो बाकी पार्ट है लाइक सेपल, पेटल्स, ये सब क्या होते हैं, शिवल ऑफ कर जाते हैं, क्योंकि इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैंने इसके सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम आपको लर्न करना। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपको कि ड्रॉ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, उसमें पूछ सकते हैं कि लेबल द पार्ट्स, अब किन पार्ट्स को लेबल करना है, वहां वो फंक्शन दे देते हैं, द पार्ट विच प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन, द पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये सब आपको उस तरह से समझना भी है कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है, उसको ही आपको वहां पर लेबल करना होगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी।